कोई भी फोटो पिक्चर, हम उस फोटो को डिजिटल में चेंज करते हैं, डिजिटल मतलब 1 और 0 की फॉर्म में चेंज करते हैं, ओके, और फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करना मतलब उस फोटो को एनहांस करना, मतलब थोड़ा और ब्राइट बनाना, अच्छा बनाना, उस फोटो को रीसाइज करना, उसकी डायमेंशन को कम या ज्यादा करना, ठीक है, उस फोटो के में कंट्रास्ट को बढ़ाना, कंट्रास्ट को कम करना, उस फोटो की नेगेटिव इमेज बनाना, मतलब किसी भी तरह की जो भी प्रोसेसिंग हम इमेज पे कर सकते हैं वो हम उस इमेज पे करते हैं, राइट। तो उसको हम कहते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। अब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लिए सबसे कॉमनली यूज जो टूल है दैट इज मैटलैब टूल। तो जितने भी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के आपके प्रोग्राम्स होते हैं, आप ज्यादातर देखोगे वो मैटलैब में ही लिखे जाते हैं, क्योंकि इसमें मैटलैब में एक सेपरेट टूल रहता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का। हम तो क्या बहुत बेसिक कमांड्स करेंगे, बाकी एडवांस कमांड्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, इट रेफर्स टू प्रोसेसिंग डिजिटल इमेजेस बाय मीन्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर। हमारे पास एक डिजिटल इमेज है जिसको हम डिजिटल कंप्यूटर की मदद से प्रोसेस करते हैं। अब पहले इमेज समझते हैं क्या होती है। इमेज देखो, अगर आप यहाँ देखो, आपको यहाँ दिख रहा है पहला वाला एक डायग्राम, ये आपकी इमेज है। हम क्या करते हैं, अपनी इमेज को कॉलम्स और रोज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मतलब हमारी मान लो इमेज है, हम उसको बहुत सारे कॉलम्स में और बहुत सारी रोज में डिवाइड कर देते हैं। तो नेचुरली आपको पता है जब हम कॉलम और रोज में डिवाइड करेंगे तो जो इनका इंटरसेक्शन है, जिसको हम सेल, जैसे आपने एक्सेल शीट देखी है, एक्सेल शीट में भी क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स होते हैं। तो जहां रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, सेल, उसको हम क्या कहते हैं, सेल। वैसे ही इमेज में इस सेल को कहते हैं पिक्सल। उसको क्या कहते हैं, पिक्सल। पिक्सल एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है पिक्चर एलिमेंट को मिलाकर बना हुआ है। पिक्चर एलिमेंट को अगर हम मिला के लिखें तो दैट इज कॉल्ड पिक्सल, राइट, ठीक है। तो पिक्सल होता है। तो अब आप देखो यहाँ पे जितने आपको सेल्स दिख रहे हैं उतने पिक्सल्स हैं। तो मतलब हम अपनी इमेज को बहुत सारे पिक्सल्स में डिवाइड करके रखते हैं, और जब ये पिक्सल्स मिल जाते हैं तो हमारी पूरी की पूरी इमेज बन जाती है। बोलो, मैं जो कह रही हूँ सबको समझ में आ रहा है? यस 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 मैम। मैम, एक बार और बता दीजिए ना। देखो मैं क्या कह रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास मान लो कोई इमेज है, मैं अपनी इमेज को अगर प्रोसेस करना चाहती हूँ, डिजिटल फॉर्म में चेंज करना चाहती हूँ, तो मुझे इमेज को बहुत सारे रोज और बहुत सारे कॉलम्स में डिवाइड करना होता है। जैसे आप देख सकते हो ये रोज हैं जो कि चलती जाएंगी, और ये कॉलम्स हैं। और जहां पे रो और कॉलम, आपको पता है एक्सेल में जैसे रो और कॉलम जहां हम इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेल कहते हैं, तो यहाँ पे भी जहां रोज और कॉलम्स यहाँ जहां इंटरसेक्ट मिल रहे हैं, ये जो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है इसको हम पिक्सल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट पिक्सल। पिक्सल एक्चुअली पिक्चर एलिमेंट की शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब आपकी इमेज बहुत सारे पिक्सल से बनी हुई है। ये जितने आपको ये क्यूब्स दिख रहे हैं ना, स्क्वायर्स, ये सारे पिक्सल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बोलो प्रेरणा, समझ में आया? यस मैम। अब ये जो पिक्सल है, मान लो मैं पहला पिक्सल लेती हूं, इसमें पहली रो और पहला कॉलम बना। अब मैं मान लो चौथा वाला पिक्सल लेती हूँ, या ये शेडेड वाला पिक्सल लेती हूँ, तो इसमें रो तो पहली है पर कॉलम तीसरा है। तो मतलब यहाँ पे हर पिक्सल को डिफाइन करने के लिए दो पैरामीटर यूज हुए हैं, एक रो का पैरामीटर और एक कॉलम का पैरामीटर। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम किसी भी पिक्सल को लिखेंगे तो वो ऐसा लिखेंगे, दिख रहा है आपको, एफ एक्स कॉमा वाई। एक्स आपका रोस के डायमेंशन को वो करेगा रिप्रेजेंट, और वाई आपका कॉलम के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब किसी भी पिक्सल को डिफाइन करने के लिए मुझे दो पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। देखो अभी तक आपने जितने भी सिग्नल लिखे, अभी मैंने मॉड्यूलेशन आपको कराई, वहां पे एक ही पैरामीटर की जरूरत पड़ती थी, टाइम, टी। हम टी डिफाइन करते थे, हमारा काम हो जाता था। क्यों? क्योंकि हमारा सिग्नल सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा था।
उसको कहते हैं सिंगल डायमेंशनल सिग्नल, क्योंकि वो एक ही डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा था। पर अगर आप इमेज देखो तो इमेज दो डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन सी, एक एक्स दूसरी वाई। एक्स आती है रोज से, वाई आता है कॉलम से, इसको कहते हैं टू डायमेंशनल सिग्नल। तो इमेज हमारी टू डायमेंशनल सिग्नल है। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आई, बोलिए यस, बोलो यस मैम, यस मैम, बाकी लोग भी बोलिए यस मैम, यस मैम, क्लियर, ठीक। अब देखो, अब ये जैसे मान लो मैं कोई भी सिग्नल लिखती हूँ XT, जैसे मैं सिंगल डायमेंशनल सिग्नल लिखूं, XT अगर 5 के बराबर है तो आपको समझ में आता है XT का एम्पलीट्यूड 5 है। यही अगर XT की वैल्यू 3 आती है तो XT का एम्पलीट्यूड कम होकर 3 हो गया। वैसे यहाँ पे जो सिग्नल है वो FXY है, इसका एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इमेज के पिक्सल पे। ये जो FXY है इसको कहते हैं इंटेंसिटी या फिर ग्रे लेवल। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा FXY की, जितनी वैल्यू ज्यादा होगी, हम कहेंगे इमेज की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा है। और जितनी उसकी ये एम्पलीट्यूड FXY की कम होगी, हम कहेंगे उस इमेज की, उस पिक्सल की इंटेंसिटी उतनी कम है। ये एक FXY मतलब एक पिक्सल, एक FXY मतलब एक पिक्सल। तो जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उस पिक्सल की इंटेंसिटी या ग्रे लेवल ज्यादा होगा, और जितना कम होगा इंटेंसिटी या ग्रे लेवल कम होगा। बोलो ये बात समझ में आई सबको? यस मैम। मैम आप ये 2D और 3D के बारे में कुछ बता रही थी ना? हाँ, 2D मतलब क्योंकि आपका ये पिक्सल दो डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई, इसलिए इसको टू डायमेंशनल कहते हैं। और जो मेरा अभी तक सिग्नल आपने किए, जो हमने किए कैरियर सिग्नल, मैसेज सिग्नल, वो सिंगल डायमेंशनल सिग्नल है। क्यों सिंगल डायमेंशनल सिग्नल है? क्योंकि वो सिर्फ टी पे डिपेंड कर रहे हैं, सिंगल डायमेंशन पे डिपेंड कर रहे हैं। यस इज इट क्लियर? यस मैम। तो अब आए आप अपने पिक्सल पे। मैंने अभी आपको बताया कि पिक्सल दो पैरामीटर से डिफाइन होता है, एक्स और वाई से। और जितनी उस पिक्सल की इंटेंसिटी ज्यादा होगी FXY उतना ज्यादा होगा। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंटेंसिटी आपकी यहाँ पे देखो ये बढ़ती जा रही है। ब्लैक मतलब आप जैसे आप देखो 0 से 255, आप देख सकते हो 0 आपका मान लो वाइट है, इंटेंसिटी बढ़ती गई 128 तक आई, तो आप ग्रे तक पहुंच गए। फिर बढ़ती 255 तक गए तो आप ब्लैक तक पहुंच गए। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे आपकी FXY जो कि ग्रे लेवल है या इंटेंसिटी है वो आपकी बदलती जा रही है, आप वाइट से ग्रे की तरफ जाते जाते फाइनली कहां तक आ जाते हैं? ब्लैक तक आ जाते हैं। तो मतलब आपकी दो एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स हैं, एक वाइट दूसरा ब्लैक। वाइट को हम कहेंगे उसका ग्रे लेवल मान लो 0 है, और ब्लैक को हम कहेंगे उसका ग्रे लेवल मान लो 255 है। और ज्यादातर हम जो इंटेंसिटी है वो 0 से 255 तक ही लेते हैं। ठीक है, जो हम इंटेंसिटी है वो क्या लेते हैं? 0 से 255। इसका भी रीजन है, पर अब वो रीजन आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना हम डिटेल में इमेज को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बोलो इतना तक सबको समझ में आया व्हाइट और ब्लैक में क्या फर्क है? यस मैम, यस मैम। ठीक है ना, व्हाइट अगर मान लो 0 है तो लास्ट जो 255 होगा दैट विल बी ब्लैक। तो अब ये जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है, इस इमेज को फिर हम क्या करते हैं? डिजिटल फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में चेंज करते हैं। बोलो इतना सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, अब देखो ये मैंने उस इमेज को बताया। मान लो मेरे पास कोई इमेज है, उस इमेज बहुत सारे पिक्सल्स का बना हुआ है। मान लो उसकी रोज है एन, कैपिटल एन, ये दिख भी रहा है, एन इज नंबर ऑफ रोज, और उसकी कॉलम्स हैं कैपिटल एम, नंबर ऑफ कॉलम। तो आप देख सकते हो ये एक पहला पिक्सल है, F00 मतलब पहले पिक्सल की इंटेंसिटी, उसी तरह F01 मतलब दूसरे पिक्सल की इंटेंसिटी, और ये लास्ट वाला हुआ हमारे M वाले पिक्सल की इंटेंसिटी। उसी तरह इधर रोज में आ जाओ, ये मेरे पहले वाले पिक्सल की इंटेंसिटी, ये मेरी दूसरी रो में पहले वाले पिक्सल की इंटेंसिटी,
ये मेरी nth रो में पहले वाले पिक्सल की इंटेंसिटी। तो हम आप देखेंगे तो मेरी इमेज को मैं बहुत सारे पिक्सल्स में डिवाइड कर रही हूं, तो रो में भी मेरे पास बहुत सारे पिक्सल्स हैं और उनकी इंटेंसिटी मैंने लिखी हुई है, और कॉलम में भी मेरे पास बहुत सारे पिक्सल्स हैं और मैंने उनकी इंटेंसिटी लिखी हुई है। तो अगर आप देखो तो ये एक मैट्रिक्स बन गई है, ये इमेज एक तरह की क्या बन गई है, मैट्रिक्स बन गई है, जिसमें बहुत सारी रोज दिख रही हैं और बहुत सारे कॉलम्स दिख रहे हैं। और आपको मालूम है मैट्रिक्स को प्रोसेस करने के लिए सबसे बढ़िया टूल क्या होता है, मैटलैब होता है, जो हमने किया है। तो इसलिए हम इमेज प्रोसेसिंग को प्रेफरेबली मैटलैब से ही ऑपरेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। बोलिए समझ में आई ये चीज? यस यस मैम, क्लियर है। अभी हम क्या थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब तक हम थोड़ा थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आदर्श, आदर्श पटवा बोलिए, क्लियर है आदर्श? कुछ लोग सिर्फ लॉग इन करके गायब हो जाते हैं। दिवेश? यस मैम, क्लियर है। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके चलो, अच्छी बात है। महिमा? मैम क्लियर, ठीक है। सत्यम? मैम हाँ बोलो। मैम ये इंटेंसिटी ब्लैक व्हाइट ग्रे कहने का मतलब क्या हुआ? देखो मान लो अगर इंटेंसिटी मैं कहूँ कम है तो मतलब वो व्हाइट मान लो, या है ना, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वो व्हाइट से ग्रे की तरफ जाता जाएगा। फिर उसके इमेज का क्या होगा, मतलब उस पे इमेज पे इफेक्ट? इमेज देखो ना, इमेज एक व्हाइट है, मैं अभी बताऊंगी वो चीजें भी बताऊंगी, व्हाइट है, जैसे मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी वही इमेज में वो चीज व्हाइट की बजाय ग्रे बन जाएगी, फिर मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी वो ग्रे से काली होती जाएगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब उसका शेड चेंज होना, इमेज का शेड चेंज होता जाता है। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, इसमें ऐसे बीच में और भी कलर आएंगे, रेड येलो ये सब? हाँ रेड ग्रीन वो कलर। देखो क्या होता है, मेरे पास एक कलर्ड इमेज होती है, ठीक है, मेरे को उस इमेज को डिजिटल फॉर्म में चेंज करना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ता है, उस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज करना पड़ता है मुझे, फिर मैं उसको डिजिटाइज करती हूँ। तो ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज करती हूँ इसलिए मैं व्हाइट और ब्लैक की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो इमेज डिजिटल में चेंज होती है ना वो कलर्ड इमेज नहीं होती, कलर्ड को पहले मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने व्हाइट और ब्लैक का ज्यादा यूज किया है। कलर्ड इमेज भी होती है, उसमें रेड ग्रीन ब्लू तीन बेसिक कलर्स होते हैं और उन्हीं कलर्स से हम बाकी कलर्स भी बनाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, पर पहले मैं सिर्फ क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज की बात कर रही हूं, क्योंकि जो डिजिटाइज होती है वो इमेज ब्लैक एंड व्हाइट होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। समझ में आई ये बात सबको? यस मैम। यस मैम। तो अब आपको समझ में आया इंटेंसिटी क्या है, रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, और सबसे बड़ी चीज पिक्सल क्या है, पिक्चर एलिमेंट क्या है। ओके तो अब हमने थोड़ा इसका कंसेप्ट कर लिया, मैं वापस मैटलैब पे जाती हूँ तो थोड़ी सी हम इसकी बेसिक कमांड्स देख लेते हैं। तो मैटलैब पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं CLC करके स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ। ठीक, सबको दिख रहा है मैटलैब मेरी विंडो दिख रही है सबको? यस मैम। चलो अब हम yes, हाँ अब चलो हम इसकी बेसिक कमांड्स करते हैं। अब देखो मैंने क्या किया है, मुझे एक इमेज लेनी है और उसको डिस्प्ले कराना है। ठीक, कमांड्स आप लोग नोट करते जाना। कोई भी इमेज मान लो, मैंने ऑलरेडी कुछ दो एक दो इमेजेस डेस्कटॉप पे रखी हुई है। ठीक है, एक इमेज मैंने रखी है लेना के नाम से। लेना अगर आप देखो तो मैं मिनिमाइज, स्क्रीन दिख रही है मेरी क्या? यस मैम। यस मैम दिख रहा है, एक मिनट। ओके एक मिनट, मैं ये वाला ना अपनी PPT एक मिनट बंद कर देती हूँ तो जिससे क्या होगा स्केप करके। ओके अब मैं शेयर स्क्रीन दोबारा कर रही हूँ।
डेस्कटॉप दिख रहा है मेरा? यस मैम, है ना। आप देखोगे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी मैंने एक इमेज रखी हुई है, दिस इज इमेज, ये है लेना के नाम से, इस इमेज को कहते हैं लेना इमेज, ठीक है। ये इमेज जो है, इस इमेज को अब मैं मैटलैब पे कॉल करूंगी, तो हम चलते हैं मैटलैब पे। अब कोई भी इमेज मुझे अगर कॉल करनी है तो पहले मुझे उस इमेज को अपलोड करना होता है। तो देखिए यहां होम पे जाइए, ठीक है, सबको दिख रहा है होम? बोलिए साथ में मेरे को, रिस्पॉन्ड करते जाइए। जैसे yes, ma'am. Yes, ma'am. ये अपलोड बटन है तो हम इसको अपलोड करेंगे। क्लिक किया मैंने अपलोड, तो ये एक ये विंडो आ गई। अब ये डेस्कटॉप पे मेरी इमेज है, तो मैंने डेस्कटॉप गई, इमेज का नाम है लेना, तो आप देख सकते हो ये लेना डॉट जेपीजी, ये दिख रही है आपको। मैंने इसको कर दिया ओपन, वो कह रहा है अपलोडिंग वन फाइल, ओके कर दिया। अब आप जरा करंट फोल्डर देखिए, करंट फोल्डर पे आपको लेना डॉट जेपीजी दिख रही है? यस यस मैम। आपको वो पर्टिकुलर फिगर लेना डॉट जेपीजी आपको करंट फोल्डर में दिख रही है, मतलब समझ जाइए आपने अपनी इमेज को अपलोड कर दिया है, राइट ठीक है। अब जब इमेज करंट फोल्डर में दिख रही है, मतलब वो अपलोड हो गई है, तो अब आप आसानी से उस इमेज को रीड कर सकते हो, मतलब उसको देख सकते हो, उसको डिस्प्ले कर सकते हो। तो अब मैं लिखूंगी इम रीड करूंगी। और मैम बोलो बेटा जी, बोलिए एक बार फिर से बता दीजिए ना कि ये फोटो कैसे अपलोड करी है। देखो फोटो कैसे अपलोड कर रहे हो तुम जाओगे होम पे, यहाँ ये अपलोड बटन दबाओगे, ओके मैम, अपलोड पे, फिर वो जहाँ तुम्हारी इमेज है वहां लेकर ओपन कर दोगे तो वो इमेज आ जाएगी, ठीक है, ओके मैम। चलो अब इमरीड किया, अब जो इमेज तुमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है उस इमेज का नाम बिल्कुल वैसे ही लिखना जैसी है, कैपिटल में है तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल, जेपीजी। और ये आ गया, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में ये लिखा होना चाहिए, तो ये आपने सेमीकोलन दबाया एंटर, ठीक है। तो मतलब आपके मैटलैब ने इस इमेज को रीड कर लिया। अब रीड करने का क्या मतलब होता है ये मैं बताती हूँ। अभी मैंने सेमीकोलन लगाया है, मैं सेमीकोलन हटा के भी बताऊंगी। रीड करना मतलब क्या होता है कि मैटलैब, आपको पता आपकी इमेज बहुत सारे पिक्सल्स की बनी हुई है, हर पिक्सल की कोई ना कोई इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी या 0 से लेकर 255 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी इंटेंसिटी हो, ठीक है। अब इमरीड क्या करता है, जितने भी पिक्सल्स हैं उन सब की इंटेंसिटी को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसी कमांड को लिखूं पर सेमीकोलन हटा दूं, सेमीकोलन हटाना मतलब मैंने अपने आउटपुट को डिस्प्ले कर दिया, तो देखो मैं एंटर दबाऊंगी तो क्या हो रहा है, देखो दिख रहा है आपको, बहुत सारे नंबर्स आते जा रहे हैं, मतलब ये एक मैट्रिक्स बनती जा रही है, और ये इसमें ये जितने भी नंबर्स हैं ये एक्चुअली सारे पिक्सल्स की इंटेंसिटी हैं। जैसे जैसे इमेज बनी हुई है उसमें बहुत सारे पिक्सल्स हैं, तो उन पिक्सल्स की इंटेंसिटी है ये, राइट। बोलो समझ में आई मेरी बात, इमरीड का क्या मतलब है? क्लियर है मैम? हाँ बोलो मैम एक बार फिर से। देखो अब देखो मान लो मैं एक चीज और बताती हूँ आपको और समझ में आएगा। मेरी वो जो इमेज थी, ठीक है, मान लो मैं इसको लिखती हूँ ए इज इक्वल टू इम रीड, ठीक, और मेरी इमेज क्या थी लेना, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ, लेना डॉट जेपीजी कॉमास, और ये मेरा हो गया कॉमा वन, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे लिखती हूं तो मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ने इस इमेज, मैटलैब ने इस इमेज को रीड किया और उस वैल्यू को ए में सेव कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं सेमीकोलन हटा देती हूं तो इमेज रीड करने का मतलब क्या है, पहले ये हम समझते हैं। आपको पता है
कि आपकी इमेज बहुत सारे रोज और बहुत सारे कॉलम्स में डिवाइड हुई हुई है, ठीक, और हर इंटरसेक्शन पे एक पिक्सल है और हर पिक्सल की एक इंटेंसिटी है और वो इंटेंसिटी 0 से लेकर 255 तो कुछ भी हो सकती है। तो ये वाली कमांड क्या करती है, आपकी इमेज के जितने भी पिक्सल्स हैं उनकी जो इंटेंसिटी में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देती है। अब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उस इमेज में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो कितने रोज और कितने कॉलम्स देखने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, तो हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, आई विल राइट से m कॉमा n इज इक्वल टू साइज, किसका साइज, अगर आपको याद हो तो मैंने इस इमेज को रीड करके a में सेव कर दिया है, तो a लिखूंगी तो मैंने एंटर दबाया तो देखो क्या होगा, उसने बता दिया मुझे m की वैल्यू 225 है, n की वैल्यू 675 है, मतलब ये जो इमेज है इसके नंबर ऑफ रोज 225 है और इसके नंबर ऑफ कॉलम 675 है। ओके, इतना सबको क्लियर हुआ यहां तक, बोलिए। यस मैम। ठीक, चलो। यस मैम। अब हमें पता है नंबर ऑफ रोज 225 है, नंबर ऑफ कॉलम 675 है, तो इनको मिला के एक मैट्रिक्स बनेगी, है ना, और उस मैट्रिक्स में हर पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू होगी। ओके, ये भी होगा। तो जब मैं इमरीड कमांड लिखती हूं यहां पर, व्हेन आई राइट इमरीड कमांड, तो इमरीड कमांड में अगर मैं सेमी कॉलन हटाती हूं तो आपको वो सारे पिक्सल्स दिख जाते हैं। ये देखो, ये अब आपको पिक्सल्स सारी वैल्यूज देखो जनरेट होती जा रही हैं। जितनी रोज थी, जितने कॉलम थे, उनमें जितने भी पिक्सल बने थे, वो सारी की सारी मैट्रिक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। बोलो, समझ में आया? यस यस मैम। मतलब मैम, हाँ बोलो, ये इंटेंसिटी का वैल्यू इंटीजर में ही होता है, डेसिमल में नहीं होता। हाँ, इंटीजर, इंटीजर में। इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 255, हम जो इमेज ले रहे हैं उस केस में इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, तो मैम तो ऐसे लिमिट बस 0 से 225 की होगी, तो 0 से 255 में बहुत सारे शेड्स हैं, 1, 2, 3, 4। ये जो 0 से 255 पता कब होती है, जब हम अपने इमेज को यूज करने के लिए 8 bits यूज करते हैं, 8 bit। देखो, मुझे अल्टीमेटली इमेज को किस में चेंज करना है, बाइनरी में, डिजिटल में चेंज करना है ना, डिजिटल मतलब 0 और 1। अब अगर मुझे अपने पिक्सल को 8 bit से रिप्रेजेंट करना है तो मैं 0 से 255 लेती हूँ, पर यही अगर मैं अपनी इमेज को 6 bit से यूज करूंगी तो मेरी ये जो इंटेंसिटी है ये और बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 2 raised to power 6। तो 2 raised to power 6 कितना होता है, 256 into 2 जितना भी हुआ, और यही इमेज मेरी 8 bit से होगी तो और बढ़, 9 से होगी 10 से होगी, तो ये इंटेंसिटी लेवल्स की रेंज बढ़ती जाती है। आई बात समझ में? मैं इसकी ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहती क्योंकि ये चीजें आपको अभी जानने की इतनी जरूरत है नहीं है। बोलिए, यस इज इट क्लियर? रिपीट कर दीजिए एक बार। मैम, हाँ बोलो। मैम, जैसे अपन ये कोई भी इमेज का पता कर रहे हैं, रो कॉलम क्या किस वो, इसका अपन क्या यूज आएगा रो और कॉलम का? देखो, अगर मुझे किसी भी इमेज में पता है कि कितने रोज हैं, कितने कॉलम हैं, है ना, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि उस इमेज के बीचों बीच में जो रो होगी वो क्या होगी, उस इमेज के थोड़े ऊपर की तरफ रो क्या, नंबर क्या होगा। तो अगर मुझे कहीं पे कुछ चेंजेस करने हैं तो मुझे रो नंबर को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। ये भी अभी मैं चीज आपको बताऊंगी, अभी ये मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। रोज और कॉलम्स पता होने से क्या होगा, आपको इमेज की डायमेंशन पता रहेगी तो उस इमेज को प्रोसेस करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, बाद में मुझे उस इमेज को किसी और इमेज के साथ मर्ज करना है, कुछ हटाना है, तो मुझे अगर उस इमेज की डायमेंशंस पता हैं तो मुझे आसानी रहती है। ठीक है बेटा? यस मैम। क्लियर? मैम, इंडस्ट्री में कहीं उपयोग आता है क्या? क्या कह रहे हो? इंडस्ट्री में इसका कोई यूज है? हाँ, जितनी भी ये इमेजेस हैं आपकी, इमेजेस जितनी आप, अब देखो ये इंडस्ट्रीज में क्या, जैसे आपकी मेडिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, ये जितनी भी मेडिकल इमेजेस है ना, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये जितना कुछ है, ये जो डॉक्टर्स जो भी आपकी वो करते हैं ब्लॉकेज, जो भी आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में,
उन सब में मेडिकल इमेजिंग तो पूरी की पूरी इमेज प्रोसेसिंग पे ही तो बेस्ड है, पूरी इमेज प्रोसेस। आपकी फोटोग्राफी है वो पूरी इमेज प्रोसेसिंग है, ठीक है। आपकी वेदर फोरकास्टिंग है, वेदर फोरकास्टिंग में सैटेलाइट इमेजिंग है, सैटेलाइट पे जाके आप इमेजेस लेते हो, वो सारी किस पे है, इमेज प्रोसेसिंग पे ही तो डिपेंड करती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इमेज को डिजिटल फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको इमेज प्रोसेसिंग नहीं पता तो आप इमेजेस को डिजिटाइज करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है बेटा। इट हैज वास्ट एप्लीकेशन, ठीक है नीरज। Yes, मैम, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे का मतलब? नहीं, ये देखो हमें क्या होता है, कंप्यूटर पे प्रोसेस करना है, ठीक है। कंप्यूटर डेटा हमेशा वन और जीरो की फॉर्म में ही लेता है, राइट। अब उस कंप्यूटर में मैं इमेज को प्रोसेस करके कहीं और किसी और एप्लीकेशन पे ट्रांसमिट करना चाहती हूँ, तो पहले मुझे उस इमेज को वन और जीरो फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, तभी मैं उसको प्रोसेस करूंगी और उसको दूसरी एप्लीकेशन पे ट्रांसमिट करूंगी, ठीक है प्रेरणा, सही है? यस मैम। क्लियर, ओके। तो अल्टीमेटली इमरीड ने क्या किया, उस इमेज में जितने भी पिक्सल्स थे, कितने पिक्सल होंगे कोई मुझे बता सकता है उस इमेज में कितने पिक्सल होंगे? एनी आइडिया? मैं एक काम करती हूँ। यस मैम, 256। बस हिंट देने के लिए मैंने ये कमांड दोबारा एंटर की, अब बताओ कितने पिक्सल होने चाहिए? मैंने मैम 225 × 675। हाँ जी, वेरी गुड। जितने आपकी रोज हैं, जितने आपके कॉलम हैं, मैंने आपको बताया उनकी इंटरसेक्शन पे एक पिक्सल होता है, है ना। तो अगर मेरे रोज 225 है, कॉलम 675 है, तो पिक्सल कितने होने चाहिए, 225 × 675। और जितने पिक्सल उतनी उनकी इंटेंसिटी, तो ये जो आपको वैल्यूज दिख रही है ना ऊपर, ये टोटल इतनी ही होंगी, 225 × 675, ठीक है। तो सारी पिक्सल्स की इंटेंसिटी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, ओके क्लियर? यस मैम। चले आगे। यस मैम। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने जो इमेज रीड की है अब मैं उसको थोड़ा सा डिस्प्ले भी करती हूँ। तो डिस्प्ले करने के लिए मेरे पास वही फिगर विंडो है, तो मैं सब प्लॉट करती हूँ। सब प्लॉट आपको पता है, कोई भी फिगर विंडो को डिवाइड, उसमें बहुत सारी इमेजेस को अगर मुझे देखना है तो सब प्लॉट कर लेती हूँ, जिससे एक ही विंडो पे मुझे बहुत सारी इमेजेस दिख जाएंगी। तो मैं लिख लेती हूँ 2, 3। क्या मतलब हुआ 2, 3? कितनी इमेजेस आ सकती है मेरी इस विंडो में? यस संदीप, मुझे बता सकते हो बेटा? बोलो संदीप। यस मैम। बेटा बोलो। अब मैंने अगर मैंने सबप्लॉट 2, 3 लिखा, तो मुझे ये बताओ इस जो मेरी फिगर विंडो है उसमें मैं कितनी फिगर्स दिखा पाऊंगी? मैम 2 रो बनेगी और 3 कॉलम बनेगी। मैम 6। यस मैम 6 में 6 इमेजेस आप देख पाओगे। और मान लो पहली वाली इमेज को मैं 1 नंबर पे ही देखना चाहती हूँ, तो आई विल राइट 1। ठीक, सबप्लॉट 2, 3, 1 हो गया। अब मैं करती हूँ इमशो। इमशो कमांड यूज होती है मुझे इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो इमशो, अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी इमेज को ए का नाम दिया था, तो ए का नाम दिया है, तो मैं यहां पर ए लिख दूंगी और इमशो कर दूंगी, एंटर दबा दूंगी। अब मेरी इमेज डिस्प्ले हो जानी चाहिए, देख लेते हैं इमशो। एक मिनट मैम, इमशो का क्या मतलब है? इमशो मतलब इमेज शो हो रही है। तो देखो यहाँ पे इमेज, आप फिगर वन ये देख सकते हो, ये इमेज डिस्प्ले हो गई है आपकी। यस मैम। यस मैम, दिख रहा है? ठीक, तो ये आपकी इमेज डिस्प्ले हो गई। तो अब ये ऑटोमेटिकली 2 रो और 3 कॉलम में इसको डिवाइड करता जाएगा, और जैसे जैसे इमेज मैं अगली इमेजेस डालती जाऊंगी वो उनको एडजस्ट करता जाएगा। इस पर्टिकुलर इमेज को लेना इमेज कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ी बहुत और चेंजेस देखते हैं, ठीक। चलो, ये सबको समझ में आया इमशो कमांड क्या है? इमशो मतलब इमेज को शो करना, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। यस मैम। यस मैम। अब देखो मैं क्या करती हूँ, B=R। देखो ये इमेज आपको दिख रही है, कलर्ड है,
ये इमेज क्या है? कलर्ड इमेज है, ठीक है? दिस इमेज इज कलर्ड। तो जब इमेज कलर्ड होती है तो वो तीन कलर, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज व्हाइट एंड ब्लैक की फॉर्म में लिखी जाती है, वैसे कलर्ड इमेज तीन बेसिक कलर्स की फॉर्म में लिखी जाती है, रेड ग्रीन ब्लू। तो उसको हम आरजीबी इमेज कहते हैं, वी कॉल इट आरजीबी इमेज, ठीक है? अब आरजीबी मतलब कलर्ड, इसको मैं लिख देती हूं आरजीबी टू ग्रे। अब ये कमांड क्या करेगी? आपको पता उस इमेज को मैंने ए का नाम दिया था, मैंने उसको ए का नाम दे दिया, और आरजीबी टू ग्रे क्या करेगी? कोई मुझे बता सकता है? मैम इमेज का कलर ग्रे हो जाएगा, कलर को हम ब्लैक एंड व्हाइट पे कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, ग्रे में करे, ग्रेइश वाले में चेंज, सॉर्ट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कह लो, उसमें करेगी और बी में सेव कर देगी। तो मैं एंटर करूंगी तो आपको बी ग्रे में चेंज हो गई। अब मुझे उसको देखना है तो मैं सबप्लॉट, यही सेम विंडो ले लेती हूँ, सबप्लॉट कर देती हूँ और दूसरे नंबर पे उसको लेती हूँ, तो सबप्लॉट 2,3,2। और अब मुझे किसको देखना है? बी को देखना है, तो एंटर। तो देखो अब आप ये देखिए, दिख रहा है आपको? सेकंड पोजीशन पे एक दूसरी इमेज बन गई। अब इस इमेज और इस इमेज में क्या फर्क है? ये कलर्ड थी और ये ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट में हो गई, ठीक है बेटा? यस मैम। मैम ये तो समझ आया कि इसमें कलर चेंज हुआ, लेकिन ये आरजीबी का मतलब क्या है मैम? आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू। देखो जैसे मैंने बोला कि आपकी ब्लैक एंड व्हाइट जो इमेज होती है वो व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन से बनती है। जहां व्हाइट ज्यादा है वहां थोड़ा लाइट ग्रे होगा, जहां ब्लैक ज्यादा है वहां थोड़ा डार्क ग्रे होगा, है ना? वैसे ही आपकी जो कलर्ड इमेज है वो रेड ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है? अब मान लो, अब रेड ग्रीन और ब्लू का कितना कितना अमाउंट है उस हिसाब से कलर डिसाइड होता है। अब कहीं मान लो रेड और रेड ज्यादा है तो ज्यादा पिंक शेड, मरून शेड, मेजेंटा शेड ज्यादा आएंगे कलर में। यही ग्रीनिश ज्यादा है तो उस तरफ के शेड ज्यादा आएंगे, ब्लू ज्यादा है तो जो भी कलर होता है, आपने देखा होगा कभी आपने रेड और ग्रीन कंबाइन किया होगा तो कोई एक कलर बनता है। और मान लो वही रेड को आप थोड़ा डार्क करते जाओ तो वो कलर थोड़ा चेंज करता जाता है खुद को। तो कलर्ड इमेज जो होती है वो बेसिकली रेड ग्रीन और ब्लू कलर्स की बनी होती है। अब डिपेंड करता है रेड कितना है, ग्रीन कितना है, ब्लू कितना है, उस हिसाब से कलर चेंज होता जाता है। क्लियर है मैम? हाँ बोलो नीरज। मैम यदि अपन को पता करना है कि एक इमेज के अंदर रेड ग्रीन और ब्लू की क्या इंटेंसिटी है, मतलब कितना है, तो कैसे करेंगे? वो सब देखेंगे, वो भी हम बाद में देखेंगे, वो होगा अभी, वी विल कम टू दैट आल्सो। ओके मैम, वो भी हम देखेंगे, ठीक। तो पहले ये बेसिक कमांड्स देख लें, हम उस पे भी आएंगे, क्योंकि अभी मैं ना कलर्ड इमेजेस पे नहीं, अभी पहले मैं ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस पे बात करना चाह रही हूँ, ठीक है? कलर्ड इमेज पे हम बाद में आएंगे। मैंने कलर्ड इमेज से क्यों शुरुआत की, क्योंकि मुझे बताना था कि कलर्ड इमेज को कैसे ग्रे में चेंज करते हैं, फिर हम बाद में आएंगे उस बात पे, ठीक है? अब देखिए, अब ये जो इमेज ग्रे में है, अब एक और चीज मैं करती हूँ, सी इज इक्वल टू इम, ये जो मेरी इम है, जो मेरी कलर्ड इमेज थी, उसको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज किया। अब आप बोलोगे ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे में क्या फर्क है? ये हो गया ए, ठीक, ये हम देखते हैं। मैंने इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट, बीडब्ल्यू मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब मैंने इसको टोटली बाइनरी इमेज में चेंज कर दिया। अब उसका क्या मतलब है वो मैं बताती हूँ आपको। सब प्लॉट मैं उसको डिस्प्ले कर देती हूँ, थर्ड पोजीशन पे ले आती हूँ, और ये मेरी होगी सी, एंटर। अब देखो क्या होगा, ये देखिए, अब जो आपको इमेज दिख रही है